आपके भरोसे पर खरे उतरकर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 35 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। कानपुर के बेगमगंज में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 FIR पुलिस की तरफ से जबकि तीसरी FIR मारपीट व तोड़फोड़ के शिकार हुए शख्स की ओर से दर्ज कराई गई है। FIR में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, वहीं 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और बुलडोजर भी चलेगा। पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने जानकारी दी है कि कानपुर हिंसा में 13 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं, साथ ही हिंसा में दोनों पक्ष के 30 लोग भी घायल हुए हैं। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, साथ ही कई दुकानों में लूटपाट भी हुई थी। पुलिस ने लूटपाट, मारपीट, बलवा समेत कई धाराओं पर FIR दर्ज की है। उन्होंने बताया कि CCTV और वीडियो फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद अब तक 35 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही बताया कि पुलिस अधिकारी गाड़ियों से इलाके में राउंड लगा रहे हैं, जबकि TM नेहा शर्मा, पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, मंडल आयुक्त राजशेखर पैदल ही इलाकों में गश्त कर लोगों को सुरक्षा का विश्वास जगा रहे हैं। इलाके की बेगमगंज यतीम खाना नई सड़क को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। कानपुर से आयुष शुक्ला की खास रिपोर्ट।